दोस्तों आज शनिवार का दिन है और अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं गाजियाबाद के बाजार में। एक बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर मार्केट है गाजियाबाद के अंदर, जिसको अग्रसेन बाजार और उसी साइड में तोराब नगर, जो कि बहुत ही मशहूर मार्केट है गाजियाबाद के अंदर, काफ़ी पुराना और मशहूर मार्केट है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। जन्माष्टमी आने वाला है तो मैडम को कुछ पूजा का सामान खरीदारी करना है। दोस्तों आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं गाजियाबाद, आइए हमारे साथ घूमिए गाजियाबाद। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका गाजियाबाद के सबसे पुराने बाज़ार में से एक, ये है जी अग्रसेन बाज़ार, ठीक है, चौपला मंदिर अग्रसेन बाज़ार, ये पूरा का पूरा जो मार्केट है। फिलहाल जन्माष्टमी है सोमवार को, तो उसकी यहां पे आपको देख सकते हैं और काफ़ी पुराना यहां पे आपको ये बाज़ार देखने को मिलता है। मेरे सामने ठीक गर्ग घी स्टोर है, काफ़ी पुराना इनका घी का, देसी दूध घी का स्टोर है और ये बहुत ही फेमस यहाँ के पूजा वाला एक शॉप है। यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं पूजा का सामान लेने के लिए अग्रसेन बाज़ार में। भाई साहब ये जो गाज़ियाबाद का पुराना बाज़ार है, यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा है अपनी टू व्हीलर को सही सलामत कहीं पर पार्क करना। यहाँ पर जगह ही नहीं मिलता, मैं जब भी आया हुआ हूँ यहाँ पर, 2 से 3 बार मैं आया हुआ हूँ भाई साहब, जगह ही नहीं मिलता कि आप कहीं पर अपना टू व्हीलर लगाओ। पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम जो है वो खुला हुआ है और पीएनबी हमको मिल गया, अभी जाते हैं रोकड़ा निकाल के लाते हैं। भाई मोदी जी के चक्कर में 2 से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ गया, बड़ी मुश्किल से भाई साहब ढूंढते ढूंढते बैंक मिला, एटीएम खुला मिला, पैसा निकाल लिए, अब हम जा रहे हैं वापस मार्केट, मतलब फिर से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा अब तो यार। इस बाज़ार में एक बहुत ही पुराना बजरंगबली का मंदिर है, ये आप देखो सामने, तो काफ़ी पुराना और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है इस बाज़ार में ये। भैया कैसे प्लेट है टिक्की? 20 रुपये हैं? 20 रुपये? 30 रुपये 2 लगा दो। से बाहर निकलना भी एक जंगी, हाँ यहाँ पे खाने पीने का शादी का आइटम, पूजा का आइटम, नॉर्मल कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, फैंसी आइटम, बहुत कुछ इस मार्केट में। देख रहे हो अभी तो ये कुछ नहीं है, इसी में रिक्शा भी रहता है अंदर, कार आते हैं, रिक्शा आता है। भाई ये सभी सब भी मेरे स्कूटी से, जिसने यहाँ पे स्कूटी चलाना सीख लिया, टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना सीख लिया ना, नहीं लोग इसलिए नहीं घूरते हैं कि अजीब दिख रहा है, वो आगे कैमरा देखते हैं ना, हाँ आगे कैमरा देखते हैं तो लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि कर क्या रहे। अब कई लोग ये सोचते हैं कि कौन सा यूट्यूबर है, कहीं ऐसा ना हो कि हेलमेट के पीछे उनका कोई फेवरेट यूट्यूबर निकल जाए, तो इसलिए लोग घूर के देखते हैं। ये है जो जवाहर गेट, ये सारा का सारा तामझाम इस जवाहर गेट के अंदर है, बहुत ही बेहतरीन और बड़ा मार्केट है। लो जी भैया फंस चुके हैं अब तो हम यहाँ पे, अब खड़े हैं यहाँ पे, अब जब तक कि ट्रेन यहाँ से आगे चला नहीं जाएगा तब तक अब हम सभी यहाँ पे खड़े ही रहेंगे। इस वाले रूट से आने जाने में बस यही एक दिक्कत है कि यहाँ से ये जो क्रॉसिंग पड़ता है, कहीं ट्रेन के टाइम में फंस गया तो फिर खड़े रहिए। तो ट्रेन हमारी जो है कि अब ये मालगाड़ी ख़त्म हो गया, मालगाड़ी पूरा का पूरा चला गया, चलिए स्कूटी स्टार्ट किया जाए, अब यहाँ से फाटक खुलेगा रेलवे, अब यहाँ से निकला जाए।
जाओ 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 भाई, जल्दी जाओ, बड़ा ही स्लो चल रही है मालगाड़ी। चलो जी, अब फाटक खुलेगा, फाटक से अब निकला जाए। खुल गया खुल गया खुल गया भाई। अभी एक और ट्रेन आ रही है क्या भाई? एक और ट्रेन आ रहा है क्या इस अभी यहाँ पे? अब अरे फाटक नहीं खुल रहा। जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी ना, सब बच्चे भागते थे। कैसे पहले स्कूल का छुट्टी होता था, सारा बच्चा भागता था, वैसे सब भागा। बड़ा भाग, 6:30 से ऊपर का समय हो चुका है, हम लोग अपने फ्लैट में पहुंच चुके हैं। मार्केट में बहुत ही भीड़ था यार। खैर, मार्केट में तो भीड़ होता ही नहीं है, तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है। इस ब्लॉग को ये समाप्त करते हैं। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को पसंद करना, ब्लॉग पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। दोनों ऑप्शन आप ही के हाथ में है। यूट्यूब ने ये जो दोनों अधिकार है वो आपको दे रखे हैं। कमेंट करना, और चैनल पर नए हो, पहली बार हमारे ब्लॉग को देख रहे हो, चाहे सर्च करके देख रहे हो या फिर नोटिफिकेशन से देख रहे हो या फिर सजेस्टेड वीडियो में, हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो जी, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सुबह खैर।